डिंडोरी में जल जीवन योजना के ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदारों पर योजना के काम में लापरवाही करने के आरोप लगे हैं। साथ ही जिन्होंने समय पर काम नहीं किया है, विभाग ने उनके अनुबंध को भी निरस्त कर दिया है। अक्सर सरकारी काम में लापरवाही की खबरें सामने आती रहती हैं, जिनकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाता। ऐसा ही मामला है जल जीवन मिशन योजना का, जहाँ जिन ठेकेदारों को काम दिया गया था, उन्होंने उस काम को अच्छे से नहीं किया है, जिसकी वजह से योजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और अब जनता को महीनों पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। विभाग ने इस योजना में काम कर रहे लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही जिन ठेकेदारों ने समय अवधि के अंदर निर्माण कार्य नहीं किया है, उनका अनुबंध भी विभाग ने निरस्त कर दिया है। अब वह 1 साल तक ठेकेदारी नहीं कर पाएंगे। इस मामले पर अब PHE विभाग के वर्तमान कार्यपालन अधिकारी शिवम सिन्हा ने बताया कि लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई कर दी गई है। कुछ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना से पानी के लिए कुछ महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। विभाग द्वारा जल्द ही जल जीवन मिशन के कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ब्लैक लिस्ट अलग चीज होती है और एक अनुबंध निरस्त करना होता है। यस सर। तो हम लोगों ने अभी तक 12 अनुबंध निरस्त किए हैं जब से मैं जिले में लीडरशिप कर रहा हूँ, और हमारे 3 ठेकेदार ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं, उसमें से एक सुशील मिश्रा हैं, वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, और 2 अन्य जो ठेकेदार हैं, एक मंडला से ब्लैक लिस्ट हुए हैं और एक डिंडोरी से मेट्रो टर्न करके भोपाल का एक ठेकेदार है, वो ब्लैक लिस्ट हुआ है। इस प्रकार से 3 ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए हैं और टोटल 5 ठेकेदारों को हम लोगों ने निरस्त किया है। कुल 12 अनुबंध हमने निरस्त किए हैं आज तक। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।